रंजन टीम में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद के सेंट्रल हॉल में आज होगा समारोह। पुराने से नए संसद भवन में किया जाएगा प्रवेश। इसे सत्र में होगी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा। पुरानी संसद में हुआ ग्रुप फोटो सेशन, सभी ने खिंचवाए फोटो। सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की रफ्तार धीमी। विपक्ष उठा रहा सवाल, तो बीजेपी कर रही बचाव। विकास कार्यों के लिए केंद्र से जारी हुए 40 करोड़ रुपए, अब तक खर्च हुए 30.80 करोड़ रुपए। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरे होने का पुस्तक का विमोचन। गवर्नर और सीएम ने किया पुस्तक आत्म के स्वर का विमोचन। डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हुई जारी। राज्यपाल के 2 वर्ष पूरे होने पर पुस्तक का विमोचन। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन पटेल ने किसान महारैली का किया आयोजन। 400 से ज्यादा किसानों ने लिया भाग। अनदेखी का लगाया आरोप, मांगे नहीं मानने पर 26 सितंबर के बाद रेल के चक्के जाम करने का ऐलान। जोशीमठ के जुआ ग्वाड़ गांव में पुल की सुविधा नहीं होने पर जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं ग्रामीण। सरकार नहीं ले रही सूद। केदारनाथ धाम में अपनी मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने किया अनशन। रुक करते हैं खबरों की ओर। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पर दर्ज आंकड़ों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य के 5 लोकसभा सदस्यों को 40 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें 30.80 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी 9.85 करोड़ रुपए खर्च होना बाकी है। कोविड-19 महामारी की दुश्वारियां से उभरने के बाद केंद्र सरकार ने विकास कार्यों के लिए हर सांसद को 7 करोड़ से लेकर 9.50 करोड़ रुपए की निधि जारी की है। ब्याज समेत ये धनराशि करीब 40.66 करोड़ रुपए तक हो गई है, लेकिन खर्च करने के मामले में 5 सांसदों में नैनीताल, उधम सिंह नगर के सांसद, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का रिकॉर्ड बेहतर है। ब्याज समेत उन्हें जारी 7.04 करोड़ रुपए की सांसद निधि मिली, जिसमें से 98.67% खर्च हो चुका है। पोर्टल पर हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरीवाल को जारी सांसद निजी ब्याज समेत 7.5 करोड़ में से 70.46% खर्च की गई है। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने 9.50 करोड़ में से 80.60% खर्च किया है, जबकि पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत को जारी खर्च की दर पोर्टल पर 61.68 रही है। उत्तराखंड के सभी सांसद अपनी सांसद निधि बहुत सही तरीके से, पारदर्शिता तरीके से, गुणवत्ता के कामों पर खर्च कर रहे हैं। एकाध सांसद निधि अभी खर्च होने में थोड़ा और उसमें वक्त लग रहा है, क्योंकि जो नोडल अधिकारी हैं, नोडल अधिकारियों के द्वारा जो कार्य थे उनका सत्यापन नहीं किया गया है, और सांसदों के द्वारा नोडल अधिकारियों को कामों की जो स्वीकृति प्रदान करनी थी उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। ये तो जनता के ऊपर भी सवाल बनता है। आप तो जनता को आत्म अवलोकन करना चाहिए कि ऐसे जनप्रतिनिधियों को आप साल दर साल चुन रहे हैं, जो अपनी सांसद निधि या विधायक निधि ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं, जिनका विकास का कोई रोड मैप का विजन उनके सामने नहीं है। बस आपने वोट दे दिया, सत्ता प्राप्त हो गई, उसके बाद विकास और जनता जाए भाड़ में, आपको दूध में से मक्खी की तरह वो बाहर निकाल के फेंक देते हैं। ये पैसा कोई किसी सांसद की या विधायक की बपौती नहीं था। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसएन जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? एसएन जी, स्मृति आपका सवाल दोबारा सुन लो। एसएन जी, क्या अपडेट है पूरा इस मामले को लेकर? सांसद को लेकर आपका क्या जानकारी है आपके पास? जो सवाल पूछा गया है उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है?
प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर महिला कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से दिवंगत अंकिता और उसके परिजनों को न्याय देने की मांग की है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों को फांसी देने और सीबीआई जांच करने की मांग को लेकर लोहाघाट के एसबीआई तिराहे को लेकर वीर कालू सिंह मेहरा चौक तक कैंडल मार्च निकाला गया है। अंकिता की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है। महिला कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से दिवंगत अंकिता और उसके परिजनों को न्याय देने की मांग की है। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमला मेहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अंकिता के परिजनों को न्याय दिलाकर रहेगी, सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कहना चाह रहे हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। एक गांव से गरीब परिवार से आई लड़की जो अपने माता पिता की देखभाल करना चाहती थी, उसकी इतनी बेदर्दी से इन लोगों ने निर्मम हत्या कर दी, तो इसमें सरकार क्या कर रही है? तब से 1 साल का समय गुजर गया है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम चाहते हैं कि उन्हें शीघ्र से शीघ्र उनके परिवार की जो मांग है उसके हिसाब से उन्हें न्याय दिया जाए। इससे क्या होगा? ये कोई न्याय देना हुआ? ये तो एक मरण लगाना हुआ। जब उस समय से वो कह रहे हैं, जब खुद अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर दिया, अपने मुंह से बता दिया, इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? सीमांत घाटी का जुआ ग्वाड़ गांव में अधिकांश भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। वर्ष 2021 के फरवरी माह में रैणी गांव के पास में गुजरने वाली ऋषि गंगा नदी में जबरदस्त जल सैलाब आया था, जिसमें काफी तबाही मचाई थी और काफी जान माल का भी नुकसान हुआ था। उसी भीषण तबाही के चलते जुआ ग्वाड़ गांव तक जाने वाला मुख्य पुल पल भर से गायब हो गया। हालांकि आपदा को 3 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज तक जुआ ग्वाड़ गांव तक जाने के लिए पुल जैसी सुविधा नहीं हो पाई है। ग्रामीण जुआ आज भी ट्रोली में बैठकर अपने गंतव्य तक जाने के लिए मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपनी गांव की समस्या कई बार शासन और प्रशासन को भी अवगत करा दी है, लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो पाई है। इसकी आपदा आई थी, उसके 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार मौन धारण कर बैठा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं ट्रोली के सहारे जा रहे हैं और अपनी जान हथेली भी डाल के आर पार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से 2-3 साल से अभी जैसे गरीब लोगों के शादी होना है तो वो अब गाँव में शादी नहीं कर पा रहे हैं, और जैसे कोई बुजुर्ग बीमार होता रात को तो बहुत परेशानी से आर पार कर रहे हैं। गांव की तस्वीरें हैं जहां पर जान हथेली पर रखकर ग्रामीण आवाजाही करते हैं। पुल की हालत वहां पर जर्जर है, पुल की सुविधा भी उस गांव में नहीं है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बता दें कि भोटिया जनजाति के लोग यहां पर निवास करते हैं। बता दें कि ऋषि गंगा नदी में जबरदस्त जल सैलाब आया था 2021 में, तब भी काफी तबाही वहां पर मची थी, काफी जान माल का नुकसान हुआ था। उसी भीषण तबाही में जुआग्वाड़ गांव तक जाने वाला मुख्य पुल पल भर में गायब हो गया था। बता दें कि आपदा को बीते हुए वैसे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक जुआग्वाड़ गांव तक जाने वाले पुल की जैसी सुविधा वहां पर फिर से नहीं हो पाई है, जिसके चलते ग्रामीणों को ट्रोली में बैठकर अपने गंतव्य स्थान तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन पटेल ने किसान महारैली का आयोजन किया। ये रैली ट्रैक्टरों द्वारा निकाली गई, जिससे 400 से ज्यादा ट्रैक्टर पर सवार होकर हजारों किसानों ने भाग लिया। बता दें कि इस महारैली में लक्सर क्षेत्र के हजारों से ज्यादा किसान पहुंचे और तहसील परिसर में किसानों द्वारा सभा का आयोजन किया गया, जहां किसान प्रशासन और सरकार पर जमकर बरसे। वहीं किसानों ने कहा कि अगर 7 दिन के अंदर निराकरण नहीं हुआ तो आगामी 26 सितंबर के बाद नोटिस देकर रेल का चक्का जाम किया जाएगा। लेख पालों का सबसे बड़ा मुद्दा हमारा बाढ़ का, सबसे बड़ा मुद्दा बाढ़ का। कल को लेख पालों की मीटिंग ले गए और कल को हम 2-3 पदाधिकारी उनके बीच में बैठेंगे और उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया। 7 दिन में अगर कुछ ना किया तो जो मैं माइक पर बोल रहा था, अब जैसे मैं बाद में दूंगा रेल का चक्का जाम करूंगा,
एक ज्ञापन मुझे मिला है किसान यूनियन की तरफ से, और जिसमें विभिन्न विभागों पे उन्होंने कार्रवाई के लिए एलिगेशन वगैरह लगाए हैं। तो सभी विभाग आए हुए थे, चाहे वो राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, वन विभाग हो, PWD है, जल संस्थान है, कृषि विभाग है, तो सभी पे उन्होंने कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाए हैं। तो सभी विभागों को बुलाया भी था और 1-to-1 बात भी करवाई, सभी विभागों से बात भी करवाई है। और हमारे स्तर का या संबंधित विभाग के स्तर का जो भी मैटर है वो हमने उनको निस्तारित के लिए बोल दिया है कि आप निस्तारण करें, और कुछ विभागों ने समय भी लिया है। बड़कोट वन क्षेत्र के अंतर्गत रानी पोखरी के शांति नगर में पति पत्नी को मांस खाना भारी पड़ गया। जब वन विभाग की टीम ने के उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया, चीतल का शिकार कर उसकी दावत उड़ाना पति पत्नी को भारी पड़ गया। वन विभाग ने घर में छापेमारी कर चीतल के पके और कच्चे मांस के साथ पत्नी को गिरफ्तार किया, जबकि महिला का पति फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। बड़कोट के वन क्षेत्राधिकारी धीरज रावत ने बताया कि बीना पत्नी बबलू निवासी शांतिनगर रानी पोखरी के घर में जंगली जानवर का मांस होने की सूचना पर हमने अपनी टीम के साथ छापा मारा, तो घर में 12 किलोग्राम कच्चा चीतल का मांस और 3 किलोग्राम पक्का मांस मिला, जिसे कब्जे से लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि वन विभाग की बड़ी कार्यवाही यहां पर की गई है। चीतल का शिकार कर मांस खाना एक दंपत्ति को भारी पड़ गया। बता दें कि दंपत्ति के पास से 12 किलोग्राम कच्चा चीतल का मांस और 3 किलोग्राम पक्का मांस मिला है, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया है। वहीं पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पति फरार हो गया है। बता दें कि पुलिस की ये बड़ी कार्यवाही यहां पर की गई है। बड़कोट वन क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है, जहां पर रानी पोखरी के शांति नगर में ये पति पत्नी रहते थे, जो मांस चीतल का शिकार उन्होंने किया था और वो मांस चीतल का खाते थे। इसके चलते पुलिस ने सूचना मिलने पर पुलिस ने दबोचा, टीम वहां पर पहुंची, जांच की गई, जिसके चलते वहां पर चीतल का बड़ी संख्या में चीतल का मांस बरामद किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, रुख करते हैं खबरों की ओर। सीमांत खटीमा कोतवाली पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया। वहीं जुआ खिलवाने वाली अपराधी लाल सिंह बोहरा मौके पर फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पकड़े गए 8 अभियुक्तों के पास से मालफड़ 9710 रुपए, एक ताश और जामा तलाशी में कुल 2900 रुपए और 7 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। खटीमा कोतवाली के उप निरीक्षक अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली खटीमा में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं फरार चल रहे मकान मालिक लाल सिंह बोहरा की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सिकारगंज रोड पर एक व्यक्ति लाल सिंह नाम है उसका, अपने घर के पास जुआ खिलवा रहा है। इस सूचना पर टीम मौके पर गई तो उनको लगभग 8-9 व्यक्ति जुआ खेलते हुए मिले और उन सबको पकड़ा, और उनमें से एक व्यक्ति जो लाल सिंह बोरा है वो मौके पर भाग गया। शेष 8 व्यक्तियों को मई मालपाड़ कास की पत्तियों और उनके मोबाइल इत्यादि के साथ मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। लक्सर के शुगर मिल के पास बने चर्च रोड के पास एक शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव रोड के पास पानी से भरे गड्ढे से बरामद किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गड्ढे से बाहर निकाला और पहचान कराई गई। मृतक की पहचान बबलू पुत्र अमरनाथ उम्र 42 वर्ष निवासी आदर्श कॉलोनी लोको लक्सर में के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकार मनोज कुमार ठाकुर ने बताया कि मृतक की मौत प्रथम दृष्टया पानी में डूबने से हुई है। अग्रिम कार्यवाही पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाए। डेड
देखिए, चर्च रोड पे एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी सूचना पे पुलिस वहाँ पर गई और थोड़ी शिनाख्ती कार्रवाई करने के पश्चात उसकी जो पहचान है उसका नाम बबलू पाया गया और ये आदर्श कॉलोनी लोको लक्सर का रहने वाला है, जिसकी उम्र 42 साल बताई गई है। तो प्रथम दृष्टिया ये पानी में डूबने से इसकी मृत्यु होना लग रहा है, फिर भी इसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु डेड बॉडी को मॉर्चरी भेजा गया। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के करीबी और उत्तराखंड के फरार इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को उत्तराखंड एसटीएफ चंपावत के बनवसा भारत नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीपक सिसोदिया मुंबई के खोजी पत्रकार जीड़े की हत्या का दोषी है और उम्र कैद की सजा काट रहा था, जो पैरोल पर छूटकर जेल से अपने घर हल्द्वानी आया था और वापस जेल जाने की बजाय फरार हो गया था। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार गैंगस्टर और इनामी अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की है। जीड़े हत्याकांड के दोषी दीपक सिसोदिया के चोरीछी पे नेपाल से हल्द्वानी आने जाने की सूचना एसटीएफ को मिली थी, जिसके बाद सीओ एसटीएफ सुमित पांडे के नेतृत्व में गठित एसटीएफ टीम के द्वारा इनामी गैंगस्टर दीपक सिसोदिया को चंपावत जनपद के भारत नेपाल बॉर्डर बनवसा से गिरफ्तार किया गया है। हल्द्वानी पुलिस के द्वारा पिछले 1.5 साल से ही, क्योंकि फरार चल रहा था, इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसमें हमारी एसटीएफ की टीम लगातार लगी हुई थी इसको ढूंढने में, और हमें कुछ सूचनाएं मिल रही थी कि ये नेपाल में छुपकर रह रहा है और बीच बीच में अपने परिवार से मिलने के लिए यहाँ पर भारत में आता है। तो उसी सूचना को डेवलप करते हुए हमने आज सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको नेपाल बॉर्डर पर बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इसको हल्द्वानी थाने में दाखिल किया गया है। और ये काफ़ी नोटोरियस वो था, काफ़ी 1.5 साल से यहाँ पर फरार चल रहा था, उम्र कैद की सजा इसको ऑलरेडी हो रखी थी। आउटसोर्स कर्मियों को 8 माह से वेतन नहीं मिला, ऊपर से अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष व्याप्त है। दरअसल वानिकी प्रशिक्षण अकादमी अंजनी में आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी गई थी। पिछले 8 माह से इन लोगों को वेतन नहीं दिया गया है और अब अचानक उन्हें नौकरी से निकाले जाने का फरमान सुना दिया गया है, जिसकी वजह से अब लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। कर्मचारियों का कहना है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। इधर वन क्षेत्र अधिकारी परिसर वानिकी प्रशिक्षण अकादमी द्वारा 16 सितंबर से कार्य से बाहर किए जाने के मौखिक आदेश दे दिए गए हैं। आठ महीने से तनख्वाह नहीं आई हुई है और हमको 15 तारीख को शाम को बोल दिया गया कि कल से आपकी उपस्थिति नहीं लगेगी। हमारा अब हम अंदर मैडम से बात करने गए या मिलने गए, जो भी है, उन्होंने ये बोला कि हमारे इसमें कुछ भी नहीं, प्रशासन से आदेश आया है और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है कि कभी उन्होंने आउटसोर्स की एक एजेंसी बनाई, उसमें लोगों को रोजगार दिया, आज उन लोगों का जिनका मतलब रिटायरमेंट है, हम लोग हैं, विडो हैं, बच्चे पाल रहे हैं और हम लोगों 6 साल हमने अपना गोल्डन चांस यहाँ करके अब हम इस एज में कहाँ जाएं हैं, क्योंकि हमने 15 सितंबर तक अपनी अपनी सेवाएं दी अलग अलग जगह पर। उसके बाद हमें कह दिया गया कि 16 सितंबर से आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। तो हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने भी हैं, जिनका अगले साल रिटायरमेंट है, कुछ लोग आउटसोर्स से हैं, ग्लोबल कंप्यूटर सोसाइटी से, कुछ लोग उपनल से हैं, तो हमको यहां से रिमूव किया जा रहा है। हमको इस समय बजट नहीं है जहाँ पे उनको हम पेमेंट कर सके। हमें लेटर लिखा है, हमने हमारे हेडक्वार्टर्स को और वहां से शासन से भी प्रपोजल गया हुआ है, हमको जब बजट प्राप्त होगा तब प्रॉपर प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार इनको हम वापस रखने की भी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। सचिवालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर ने आपको ऐसा कार्यक्षेत्र दिया है जिसमें कार्य करने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि सभी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। कार्यक्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना जिम्मेदार पूर्वक करेंगे। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सेवा का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है। एक नजर हेडलाइन पर। संसद के सेंट्रल हॉल में आज होगा समारोह, पुराने से नए संसद भवन में किया जाएगा प्रवेश। विशेष सत्र में होगी महिला आरक्षण बिल पर चर्चा, पुराने संसद में हुआ ग्रुप फोटो सेशन, सभी ने खिंचवाया फोटो।
सांसदों की सांसद निधि खर्च करने की रफ्तार धीमी, विपक्ष उठा रहा सवाल, तो बीजेपी कर रही बचाव, विकास कार्यों के लिए केंद्र से जारी हुए 40 करोड़ रुपए, अब तक खर्च हुए 30.80 करोड़ रुपए। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के कार्यकाल का 2 वर्ष पूरे होने का पुस्तक का विमोचन, गवर्नर और सीएम ने किया पुस्तक आत्मिक स्तर का विमोचन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी हुई जारी। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन पटेल ने किसान महारैली का किया आयोजन, 400 से ज्यादा किसानों ने लिया भाग, अनदेखी का लगाया आरोप, मांगे नहीं मानने पर 26 सितंबर के बाद रेल के चक्का किया जाम। जोशीमठ के जुआकुआड़ गांव में पुल की सुविधा नहीं होने पर जान हथेली पर रखकर आवाजाही करते हैं ग्रामीण, सरकार नहीं ले रही सूद, केदारनाथ धाम में अपनी मांगों को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने किया अनशन। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी।